नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक बार फिर से शक्ति को लेकर संग्राम शुरू हो गया है। आपको बताएं, अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और केंद्र सरकार द्वारा एलजी को दिल्ली के संवैधानिक कोटे में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को नियुक्ति करे और उसकी शक्ति दिए जाने के खिलाफ याचिका लगाई है। वही अदालत ने दिल्ली सरकार की तरफ से पेश नहीं होने की वजह से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने सिद्धार्थ दवे की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि यहां तक कि वो स्टेट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को क्या फीस दिया जाएगा, यह शक्ति और एलजी को दी गई है। आपको बताएं, इसकी वजह से चुनी गई सरकार को इस मामले में अपंग बना दिया है। याचिका में कहा गया है कि जनता द्वारा चुनी गई दिल्ली की लोकप्रिय सरकार न सिर्फ अपने पसंद के वकीलों को नियुक्ति करने में असमर्थ है, बल्कि वो उसकी फीस तय करने में भी असमर्थ नजर आ रही है। ये सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई। आपको बताएं, इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग में पड़ी उस याचिका पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें दिल्ली सरकार और एलजी के बीच पहले से चल रहे पावर टसल का जिक्र किया गया है। आपको बताएं, खासकर राजधानी दिल्ली में आईएएस अफसरों पर नियंत्रण को लेकर याचिका में कहा गया है कि यदि कोई दिल्ली सरकार के वकीलों की नियुक्ति और उसके फीस तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होंगे तो ऐसे में विपक्षी पार्टी के वकील और फीस तय करने के समान होगा, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। याचिका में आगे ये भी कहा गया कि इससे कानून के मौलिक प्रिंसिपलों का उल्लंघन होगा, जो सही नहीं है। बता दें कि दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच शक्ति को लेकर पहले से भी टसन बना हुआ है। वहीं यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। अदालत की बेंच ने दिल्ली में चुनी हुई सरकार यानी केजरीवाल सरकार के पक्ष में उस वक्त फैसला सुनाया था, लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, उनके पार्टी के जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं वो उनके साथ नहीं है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को सम्मन पे सम्मन आता जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आती है। जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार वो ईडी के सामने जरूर पेश होंगे और वो वर्चुअली वहां पर मीटिंग करेंगे। अब ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल को अगर सम्मन पे सम्मन, एक दो सम्मन आते हैं तो हेमंत सोरेन की तरह उनकी गिरफ्तारी का भी वारंट कटता हुआ ना नजर आए। ऐसे में उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने जाने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में उनके लिए मुश्किल पहले से खड़ी है। अब ऐसे में उपराज्यपाल का एक मुद्दा और निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में जिस तरीके से उनकी पार्टी मुसीबत में पड़ती हुई नजर आ रही है, क्या वो एनडीए या फिर बीजेपी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।